हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करी एंड काउच। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सही तरह के ऑर्गेनाइजर्स को चूज़ करना एंड साथ ही साथ में ये भी देखना कि वो बजट में हमारे हैं या नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं एंड आई होप आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रोडक्ट्स एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट आइटम है ये मैग्नेटिक हुक्स, जो कि काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे। आप इन्हें फ्रिज पे लगा सकते हैं, माइक्रोवेव पे लगा सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से ये स्टिक हो जाते हैं एंड इसमें आप कुछ भी सामान जो है अपना हैंग कर सकते हैं। स्पेशली किचन में हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे सामान होते हैं हमारे, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने बच्चों के वाइट बोर्ड वगैरह पर भी इन्हें लगा सकते हैं, जो मैग्नेटिक बोर्ड होते हैं उन पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं एंड वहाँ पे अलाउ नहीं होता है ड्रिल करना, तो वहाँ के लिए जो है ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं फ्रिज वगैरह पे एंड अपने सामान को अच्छे से स्पेस सेव करके हैंग कर सकते हैं। एंड ये हैं स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स, जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। ये स्मॉल साइज़ में है एंड नीचे जो है वो बिग साइज़ में है। इसमें आप अपने रोटी पराठा जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप स्टोर करके ले जा सकते हैं एंड स्पेशली मैं इसे यूज़ करती हूँ पापड़ वगैरह स्टोर करने के लिए, क्योंकि पापड़ को अगर आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो टूट जाते हैं एंड मैं इसे लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। क्वालिटी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये काफ़ी बजट में मुझे मिल गए थे। एंड ये जो स्मॉल कंटेनर है मैं इसमें मलाई स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। 1 हफ्ते की जो मलाई है मेरी वो अच्छे से स्टोर हो जाती है इसमें एंड फ्रिज में भी ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है एंड एयर टाइट कंटेनर है, तो दूसरी स्मेल वगैरह आने का भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है एंड आप इसमें दूसरे जो लेफ्ट ओवर फूड वगैरह हैं वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इन कंटेनर्स के साथ में मैंने एक और बिग साइज़ का कंटेनर परचेस किया था एंड स्पेशली ये जो कंटेनर है डोसा बैटर मैंने स्टोर करने के लिए परचेस किया था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मेरे घर में साउथ इंडियन जो फूड है वो बनता है, तो डोसे का बैटर मैं वीक में बना के रखती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड इस कंटेनर का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं डोसे का बैटर इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ एंड इसी में मैं फर्मेंट के लिए भी रख देती हूँ, तो अच्छे से फर्मेंटेट हो जाता है एंड जो है मेरा डोसे का बैटर जो है वो भी अच्छे से इसमें स्टोर हो जाता है। एंड नेक्स्ट एंड यूज़फुल आइटम है ये स्टील का फनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है मुझे। जब भी हम ग्रॉसरी को ट्रांसफ़र करते हैं कंटेनर्स में, तो ग्रॉसरी का जो स्पिलेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार जो दालें हैं वो गिर जाती हैं या बेसन वगैरह है वो गिर जाता है, तो जब भी हम ग्रॉसरी ट्रांसफ़र करते हैं तो सीधा जो आइटम है वो गिरने के जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं एंड ग्रॉसरी जो है आपकी अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए ग्रॉसरी शॉपिंग जब भी हम करते हैं एंड उन्हें कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार ये होता है कि ग्रॉसरी जो है पैकेट में थोड़ा सा आइटम्स जो हैं वो बच जाते हैं एंड जो वो बचे हुए आइटम्स होते हैं उन्हें संभाल के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हवा लगने के कारण उनमें कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि हमारे पैसों की भी वेस्टेज होती है एंड सामान जो है ख़राब होता ही है। तो यहाँ पे आप रबर बैंड एंड क्लिप्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड बट मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बावजूद भी कीड़े जो हैं वो लग जाते हैं खुले हुए पैकेट्स में। कई बार कीड़े लगना तो चलिए एक रीज़न होता ही है, बट जो खुले हुए पैकेट्स हैं जब भी हम ड्रॉर ओपन करते हैं तो कई बार जो सामान पैकेट्स में रखा होता है वो भी गिर जाता है ड्रॉर में एंड पूरा जो ड्रॉर है वो भी गंदा हो जाता है। तो इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक सीलिंग मशीन परचेस की है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी आपके कुछ चिप्स के पैकेट हैं या जो भी खुले हुए पैकेट्स हैं जो कि बारिश के मौसम में बहुत ही जल्दी सील जाते हैं, तो ये मशीन जो है काफ़ी हेल्पफुल है। जो भी आपके ओपन पैकेट्स हैं उन्हें आप सील कर दीजिए एंड
मैंने सील किया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे। पैकेट जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो कीड़े लगने के या सामान टूटने के या ख़राब होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों के छोटे छोटे से आइटम्स या हमारी कुछ ज्वेलरीज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ किए हैं एंड काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं। यहाँ पे मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये परचेज़ किया है मेरी डॉटर के हेयर क्लिप्स और एक्सेसरीज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये आपको जो सेक्शंस हैं आप इन्हें ईजिली रिमूव कर सकते हैं। जहाँ भी आपको थोड़ा सा बड़ा आइटम रखना है तो आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड इनमें काफ़ी सारे सेक्शंस दिए हुए हैं तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेक्शंस को एडजस्ट करके अपनी जो एक्सेसरीज़ हैं आप इनमें क्राफ्ट आइटम्स भी स्टोर करके रख सकते हैं या नेल्स वगैरह जो हमारे घर में कीलें या जो स्क्रू वगैरह होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी परफेक्ट आइटम है। यहाँ पर मैं मेरी डॉटर की जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी एंड सेक्शन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो काफ़ी सारे हेयर सीरीज जो उसकी हर साइज़ की है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है एंड ट्रांसपेरेंट है तो आपको इजीली विजिबल रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं एंड सेक्शन होने की वजह से चीज़ें आपस में मिक्सअप भी नहीं होती है एंड वेल ऑर्गेनाइज रहती हैं। बजट में मुझे ये आइटम मिल गया था 199 रुपीज़ का। ये मुझे जो ऑर्गेनाइज़र है ये मिल गया है एंड स्पेशली जिनकी डॉटर्स हैं उनके लिए ये मस्ट हैव आइटम है क्योंकि डॉटर्स की काफ़ी सारी एक्सेसरीज होती हैं तो वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये जो ऑर्गेनाइज़र है आपके ड्रॉर्स वगैरह में भी अच्छे से फिट हो जाता है एंड आपके जो ड्रॉर्स हैं वो भी वेल ऑर्गेनाइज लगते हैं। एंड इसी तरह से ये सेकंड ऑर्गेनाइज़र है जो कि थोड़े से बड़े सेक्शंस में मुझे मिला है एंड इसके जो सेक्शंस हैं वो एडजस्टेबल नहीं हैं एंड स्पेशली मैंने इसे परचेज़ किया है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो कि नेकलेस होते हैं आपके वो इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं शादी वगैरह के लिए तब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं इस तरह के जो आइटम्स हैं एंड इसमें काफ़ी अच्छे से आपकी जो ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है एंड आपका जो कबर्ड है वो भी ऑर्गेनाइज लगता है एंड सारे जो नेकलेस हैं एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड उनके ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो भी नहीं रहते हैं। इन्हीं के साथ मैंने परचेस किया है ये स्मॉल साइज़ का ऑर्गेनाइज़र जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेडिसिंस वगैरह स्टोर करने के लिए परफेक्ट हैं एंड इसके जो सेक्शंस हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ है जिसे आप ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग सेक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप स्मॉल साइज़ के इयर रिंग्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। सेफ्टी पिन्स हैं या हेयर क्लिप्स हैं आपके डिफरेंट साइज़ के जो होते हैं उन्हें आप अरेंज करके रख सकते हैं। आपके रिंग्स हैं उन्हें आप अरेंज करके रख सकते हैं एंड जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के जो स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको काफ़ी बजट में भी मिल जाएंगे।
इंडियन किचन में काफ़ी सारे मसाले हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम पे, एंड उन मसालों को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो मसाले जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एंड काफ़ी सारे मसाले जैसे छोला मसाला, राजमा मसाला है, पैकेट्स में थोड़े टाइम तक अगर रखे रहते हैं स्पेशली बारिश के टाइम पे, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं एंड पैसा भी जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ये जो ग्लास कंटेनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, 120 ml के कंटेनर्स हैं, एंड इसमें जो मसाले हैं आपके जो कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स हैं तो मसाला जो है ख़राब होने के या चीज़ें जो इसमें अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एंड जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी तरह के आइटम्स जो हैं हमारे किचन में यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो ये हैं 300 ml के ग्लास जार्स जो कि काफ़ी अच्छे ग्लास जार्स हैं, मैंने 3 years से यूज़ कर रही हूँ। एंड सामान इसमें आप जो भी पिकल्स हैं या चटनी है वो भी स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं तो चीज़ें ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम जो कि अभी मैंने रिसेंटली परचेस किया है वो है ये सेंसर लाइट, एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये आइटम्स। ये आप मुझे जो है 400 में 2 का सेट मिला हुआ है, स्पेशली जब हमारे घर में एजड लोग रहते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो रहते हैं, उन्हें रात में कई बार उठना होता है, किचन में आना होता है पानी वगैरह के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एंड ये सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब भी आप पास हो रहे हैं इसके पास से, तो उनके लिए ये जो आइटम है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के जो बास्केट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, एंड इसमें जो सामान है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, एंड बास्केट्स में होने के कारण जो स्पेस है जहाँ पे हम इन्हें रखते हैं वो भी नीट एंड टाइडी लगता है। इस बास्केट को मैं यूज़ करती हूँ मेरे जो किचन टॉवल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, इनमें काफ़ी स्पेशियस होते हैं एंड आपको ईजिली विजिबल भी रहते हैं। तो इस बास्केट में मेरे जो भी किचन टॉवल्स हैं या किचन से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो भी हैंड टॉवल्स वगैरह हैं, वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड नेक्स्ट है ये वायर बास्केट जो कि मेरे जो डेली यूज़ में जार वगैरह आते हैं मिक्सी के, उन्हें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जिससे कि सारे जो जार हैं वो मुझे एक ही जगह पर मिल जाते हैं। एंड ये जो बड़े साइज़ का बास्केट है ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसे मैं ड्राइंग रूम में अपने यूज़ करती हूँ, जितने भी मेरे चार्जर्स हैं, केबल्स हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए, रिमोट वगैरह जो है इसमें अच्छे से स्टोर हो जाते हैं क्योंकि जो इसका लेंथ है वो अच्छा है, तो सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पर स्टोर रहती हैं एंड जो स्पेस है वो भी क्लटर्ड नहीं लगता है। कुछ आइटम्स जो होते हैं किचन में मस्ट हैव होते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमें कुकिंग करना होती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं एंड ऑफिस टाइम होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे किचन में स्पेशली मस्ट हैव होती हैं। उनमें से है एक ये चॉपर जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जब भी आप गेस्ट आ रहे हैं या मॉर्निंग में जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो अनियन वगैरह जो चॉप करना है बहुत ही अच्छे से इसमें चॉप हो जाते हैं। एंड स्पेशली कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें दरदरे पीसने होते हैं, मॉर्निंग में ग्रेवी बनानी है या कुछ भी करना है, तो इसमें आपका जो काम है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इस पर पाव भाजी वगैरह जब बना रहे हैं आप तब भी ये काफ़ी यूज़फुल रहता है।
किचन का जो मस्ट हैव आइटम है ये है मिनी चॉपर, जो कि डेली कुकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको सिर्फ गार्लिक चॉप करना है या जिंजर गार्लिक चॉप करना है तो डेली की कुकिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, स्पेशली मॉर्निंग आवर में। तो ये आइटम तो आपके किचन में होना ही चाहिए। अगर आपको एक अनियन चॉप करना है या थोड़े से गार्लिक वगैरह चॉप करना है तो वो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं इसमें, एंड ये रिचार्जेबल है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब भी बैटरी डेड होती है आप इसे चार्ज करके रख लीजिए, एंड ये काफ़ी बजट में आपको 499 के प्राइस में मिल जाता है।